रेवाड़ी प्रशासन ने आलू गैंग के गुर्गे योगेश उर्फ भोटा द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई दुकान को तोड़ दिया। प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ धारूहेड़ा चुंगी स्थित दुकान पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से दुकान को ध्वस्त किया गया। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार भूप सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि धारूहेड़ा चुंगी पर योगेश उर्फ भोटा ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। योगेश उर्फ भोटा पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से डकैती, लूट और हत्या समेत अन्य संगीन मामले शामिल हैं। डीएसपी सिटी पवन कुमार, सिटी एसएचओ राकेश कुमार, नगर परिषद सचिव प्रवीण कुमार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान धारूहेड़ा चुंगी स्थित उक्त दुकान पर पहुंचे और बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से कब्जाई गई दुकान को पूरी तरह तोड़ दिया। ये कार्रवाई क्या है इसके ऊपर? अभी कुछ दिन पहले ये पहले शनिवार को आए थे तो ना तो इसके ऊपर नोटिस था, ये लोग कहते हैं कि नोटिस था, हमने तो देखा नहीं नोटिस आज, अब ना ही इन्होंने अब आज जो तोड़ने के लिए आए थे तब भी नहीं दिखाया। फिर ये लोग कहने लगे कि हमारे पास तो आगे से ऑर्डर है, तो हमने कहा कुछ ऑर्डर तो दिखाओ, क्या ऑर्डर है, इसकी फोटोकॉपी वगैरह ले लिया है ताकि हमने तो पता लगे हाँ भाई ये वाला ऑर्डर है इसमें। तो बोला जी नहीं नहीं ये हम किसी के लिए देते नहीं है और ये हमारा यहाँ तक का तोड़ने का था। पहले शनिवार को आए थे तब भी क्यों कह रहे थे कि बोला जी हमारा तो डंडा सही हुआ है ऑब्जेक्शन, तो ठीक है तो कोई बात नहीं। अब आप बता के गए कि ये डैमेज हो ही पड़ी थी जी मालिक जो वो है ना इसका था वो यू कह रहे थे डैमेज, जबकि लड़की ये इस लड़के अजीज ने पेमेंट वगैरह 3 लाख की पेमेंट कर चुका है ये और इसके रजिस्ट्री बाकी है। अब वो यू कह रहा है कि भाई मैं आजकल मैं रजिस्ट्री बनवा दूंगा, मैं आज तक ये लड़का चक्कर काटता रहा है, वो बनवाने का नाम नहीं ले रहा, आज ये देखा तो ये वाला जल्लोस आपके सामने ही। क्या मांग करते हैं आप? अब मांग यही करते हैं डीसी साहब से, देखो गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला तो है नहीं, इसकी तरफ भी देखा जाए, बच्चों की तरफ भी, ये भी अपने बच्चों ने पाल रहा है ठीक है ना, बाकी और तो क्या भाई, इसको दोबारा बनाया जाए, ये तो बच्चा कहाँ से बनाएगा ठीक है ना। हम तो ये डीसी साहब से प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई इसको दोबारा बनाया जाए ताकि या फिर रिकॉर्ड दिखाया जाए इसका, इस रिकॉर्ड को नोटिस। बहरहाल तमाम गैंगस्टर को चिन्हित कर उनके द्वारा काली कमाई के जरिए अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। रेवाड़ी जिले में भी गैंगस्टर, उनके गुर्गों और नशा तस्करों की लिस्ट कई महीनों पहले बनाई गई थी। इसी लिस्ट में आलू गैंग के सरगना सुनील डुलगच के भाई योगेश उर्फ भोटा की दुकान पर कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले आलू गैंग के सरगना सुनील डुलगच द्वारा ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 40 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसके अलावा नशा तस्कर आशु की दुकान को भी तोड़ा गया था। 8 से ज्यादा ऐसे और बदमाश बचे हुए हैं जिनके अवैध रूप से बने घर को और प्रॉपर्टी को तोड़ा जाना है। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।